अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हर शहर में पाई जाने वाली एक सब्जी मंडी है। ये फ़िलहाल जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जबलपुर शहर में एक उपनगरीय गोहलपुर क्षेत्र की सब्जी मंडी है। और इस सब्जी मंडी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ार में जो स्लो डाउन आ रहा है उसको कैसे कवर किया जाए। आइए इसके लिए हम चर्चा करते हैं यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी श्री पंकज गुप्ता जी से। अब आप आवाज़ सुन रहे हैं श्री पंकज गुप्ता जी की। आज की तारीख में जो मार्केट में स्लो डाउन हो रहा है या सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, प्याज 60 रुपए किलो है और गोभी जो आप देख रहे हैं अभी ये 40 रुपए का एक है, तो ये सब चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो रही हैं? आधा तो कारण बरसात का है, जो 15-20 दिन लेट बरसात हुई है इसके कारण माल खराब हो गया है। इसके कारण माल खराब हो गया है और कुछ तो व्यापारियों का वजह से व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं प्याज और सरकार कुछ कर नहीं रही है। प्याज स्टॉक होने के कारण अभी बीच में डाउन हो गई, 30-40 रुपये किलो हो गई, फिर 60-80 रुपये किलो फिर हो गई है व्यापारियों की वजह से। कुछ और भी वजह है जिसके कारण कि उत्पादन मार्केट में लेट पहुंचता है या लोकल प्रोडक्शन बंद हो गया है? वजह यही है, भाड़े महंगे हैं गाड़ियों के, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है। और कुछ इस बारे में बताना चाहें मार्केट में क्या कमियां हैं, बाज़ार को कैसे उठाया जाए? मार्केट की कमी, मार्केट में तो बहुत सी कमियां हैं कि इसलिए क्योंकि मतलब इस मार्केट का मतलब देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। मतलब इस मार्केट में हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए मगर वो सुविधाएँ है नहीं। बस सरकार सिर्फ 5 रुपये का वो लेती है टैक्स और इसके अलावा कुछ नहीं करती है। न यहाँ मतलब मार्केट बना के दे रही है, न यहाँ लाइट की व्यवस्था है, न नल की व्यवस्था है, है। अब जो माल बचता है मतलब उसको मतलब सड़ा दिया जाएगा है। अब भाई जो चीज़ लाया जाता है थोड़ा बहुत बचता है तो उसको कहाँ रखा जाए, उसकी सुविधा होना चाहिए ना। ये चीज़ मतलब सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। व्यापार में फर्क पड़ता है, एक बार हम लोग भाड़ा लगाते, एक बार भाड़ा लगा के वापस ले जाते, फिर लेके आते हैं, तो भाड़े की वजह से व्यापार में फर्क और ज़्यादा पड़ता है। तो आपने सुना कि किस तरह से इनकी समस्याएं हैं, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और स्थानीय प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलिए आप बने रहिए अनंत यात्रा पे, इस तरह की और जानकारियां मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा।